गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूएसडी एंड करेंसी पोस्टमार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज और एक नैरो रेंज मूवमेंट हुआ है जहां पे डॉलर रुपी ट्रेडेड इन बिटवीन योर 75 हाफ ऑन द लोअर साइड एंड 85 ऑन द हायर साइड। सो 10 पैसे के रेंज में ही हमारा इंडियन मार्केट में डॉलर रुपी का मूवमेंट हुआ है। इट वॉज वेरी बोरिंग डे। और करेंसी फ्यूचर का अगर प्राइस देखेंगे, मॉर्निंग में इट ओपन एट 82.88, ट्रेडेड लो ऑफ 82.7725 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 82.8। ये जो रेंज है, ये रेंज के अंदर में ही डॉलर रुपी मूव किया है। उसका मेन रीजन क्या है? मार्केट इज वेटिंग फॉर ए क्लू और द क्यू। क्या ये है आपका? बिकॉज डॉलर रुपी इज एट ए क्रूशियल। ऑल्सो एक नजर हल्का सा डॉलर इंडेक्स पे ले लेते। डॉलर इंडेक्स इज ट्राइंग टू ब्रेक अगेन 103.75 से 104.00, ये रेजिस्टेंस ले। यूएस मार्केट में क्या ये यहाँ पे अच्छा खासा एक डॉलर स्ट्रेंथ देखा जाएगा, या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आएगा? उसके बेसिस पे कल डॉलर रुपये का एक हमें मूवमेंट मिल सकता है। एज ऑफ नाउ द बायर्स एंड द सेलर्स आर क्लूलेस। क्या बाइंग करके पोजीशंस ओपन रखे जाए या सेल करके ओपन रखे जाए? सम प्लीज क्लैरिटी इज मिसिंग। वो क्लैरिटी कब आएगा? जैसे कि हमारा एक कल का एनालिसिस था जहां पे हमने क्या किया, लाइन चार्ट के बेसिस पे मींस प्राइस को देखने का प्रयास किया। जहां पे आप देखो, ये जो आवरली लाइन चार्ट है, कंटिन्यूअसली ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। एंड आपका कल से यानी 22 मई एंड 23 मई में जो न्यू हाई फ्रेश लेवल पे बनाने में ये कामयाब हुआ नहीं। सो मार्केट इज ऑब्जर्विंग क्लोजली। अभी हमें क्या देखना है, जो हमने कल डिस्कस किया था, इसको अगर नीचे सेलिंग के लिए पोजीशंस बिल्डअप करना है, इन सच केस हमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस चाहिए। एंड उसके बाद एक जो स्विंग होगा उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए नीचे की तरफ। इन सच ए केस वी कैन बिल्ड सम गुड शॉर्टिंग पोजीशंस। लेकिन आरएसआई अभी भी अबोव 60 में है। आरएसआई को भी हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रेक डाउन करने के बाद, क्या ब्रेक डाउन आपका 60 में ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे की तरफ, फिर दोबारा क्या ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है? इन सब केस आपका ये हो सकता है कि एक रेंज शिफ्ट हो सकता है। तो अभी तक हमें रेंज शिफ्ट का मींस जो मींस पैटर्न है अभी तक आया नहीं है। सो और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम और 82.90 से 83.00 मीन्स अनसर्टेन जोन है। और बेसिकली टू बी प्रेसाइज स्पॉट लेवल पे 82.80 से 83.00 इज एन अनसर्टेन लेवल। इसका अनसर्टेनिटी का मेन कारण क्या है? इनविजिबल हैंड्स। क्या इनविजिबल हैंड्स यहाँ पे सेलिंग करेंगे? क्या इनविजिबल हैंड्स एब्सेंट रहेंगे? ये जो डायलेमा है, इस डायलेमा के बीच में जो ट्रेडर्स है दे आर ट्राइंग टू प्ले कॉशियस। तो जब तक एक क्लैरिटी नहीं आता है, तो जो प्लेयर्स है, आइदर द प्लेयर्स बाई करके जो प्ले करेंगे या सेलर्स जो सेल करके प्ले करेंगे, वो लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच देख रहे हैं। हमें भी यहाँ पे वेट एंड वॉच टाइम मीन्स थोड़ा सा इंतजार करना है बिफोर जंपिंग इन टू आइदर द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड, यानी बाइंग साइड में या सेलिंग साइड।
बेसिकली सेलिंग साइड में होने के लिए हमें इस टाइप का एक प्राइस एक्शंस चाहिए एज वेल एज आरएसआई एक्शंस चाहिए। अगर ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा हमें इतना ज्यादा बढ़िया पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेगा। इसका मेन रीजन क्या है, ऑलरेडी 1 रुपया 20 पैसे से 1 रुपया 30 पैसे का अपमूव आ चुका है, तो और कितना ऊपर जाएगा जाने के लिए, तो और 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया भी जा सकता है। लेकिन क्या ये सडनली 10 पैसा 15 पैसा जाने के बाद फिर दोबारा डूम करके नीचे की तरफ आ जाता है या नहीं, दैट इज वाई ये जो जोन है ये सेफ प्ले करने का जोन है। ट्रेडर्स मस्ट बी कॉशियस बोथ फ्रॉम बाइंग साइड एज वेल एज सेलिंग साइड एट 82.80 से 83.00 ऑन स्पॉट। तो आज का जो करेंसी यूएसडी आईएनआर का जो इंट्राडे मूवमेंट हुआ है इसमें खास कुछ में एक्टिविटी दिखा नहीं है। बेसिकली फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट्स था, जिन्होंने भी बाई किया उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग था, जिन्होंने सेल किया उनके लिए भी एक फ्रस्ट्रेटिंग था। सो अभी हमें ये फ्रस्ट्रेशंस में और भी हमारा जो फ्रस्ट्रेशंस है उसको और भी बढ़ाना नहीं है, रेदर हमें थोड़ा सा इंतजार करना है प्राइस एक्शंस। तो आज के लिए ये डॉलर भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।